दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। कहीं किसी प्रकार की घटना ना होने पाए, इसके लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। मंगलवार को सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में पटाखों की दुकान पर छापेमारी की गई, जिसमें नखास चौक पर रिहायशी इलाकों में चल रही सद्दन खान की पटाखे की दुकान ओसामा एंड कंपनी को सील कर दिया गया। छापेमारी के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आकांक्षा राणा, अपर नगर मजिस्ट्रेट गौरव श्रीवास्तव, इंस्पेक्टर कोतवाली मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अजित कुमार सिंह ने बताया कि ओसामा एंड कंपनी की दुकान का लाइसेंस नहीं होने के कारण इसे सील किया गया है। उन्होंने बताया कि रिहायशी इलाकों में किसी भी पटाखे की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा दुकान सील कर दिए हैं, लाइसेंस पूछ रहे थे, लाइसेंस हमारे पास था, मतलब सस्पेंड लाइसेंस चल रहा था हमारा, डेट खत्म हो गया। हाँ, डेट खत्म हो गई थी लाइसेंस की। बाहर के अब गए थे इनसे मिलने के लिए कि हमको बाहर में दे दिया जाए जगह। इन्होंने कहा अभी बाद में देखे, चलिए देखा जाएगा अभी, और क्या। गए थे हम, मिले थे सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कि बाहर में कोई जगह दे दिया जाए हम लोगों को। लखनऊ में एक जगह है और आपकी बरेली में है, बनारस में सब जगह अलग मंडी बनी है इसकी, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं इसी इस तरह की। यहाँ को गवर्नमेंट की तरफ से कोई जगह ही नहीं दे रहा है, और सब जगह जगह दे रखे हैं लोग, अलाट किए हैं, सारी मार्केट वहीं पर चली गई है, यहाँ पर कोई सी जगह ही नहीं है। ये जो है जो अवैध सूचना मिली थी,
नहीं है और ये पटाखा बेच रहे हैं। इसी क्रम में जो है ये नखास चौक के पास जो है रेती की तरफ ये दुकान है वसावा एंड कंपनी करके, उसमें जो है हम लोग आए थे। हमारे साथ एसीएम सेकंड और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मैडम थी और पुलिस की टीम थी। यहाँ पर जब इनसे लाइसेंस मांगा है तो लाइसेंस इन्होंने फैजाम अहमद के नाम से दिखाया जो कि 2014 में ही जो है निरस्त हो चुका था और कोई और वैध लाइसेंस नहीं दिखा पाया। इस क्रम में अंदर पटाखे भी थे जिसकी वीडियोग्राफी कराई और उसको हम लोग सील कर दिए।